एमएससी फार्मासिस्ट बेबी, मेरा नाम है बेबी और आज का हमारा टॉपिक है डाबर जन्म घुट्टी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, उसके पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ जैसा होता है, पेट फुला फुला सा रहता है, या फिर बच्चे को उल्टी हो रही है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा समय से रो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, तो आप ये वीडियो देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑल करें, ताकि ऐसी मेरी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप डाबर जन्म घुट्टी की पैकिंग देख सकते हैं। डाबर जन्म घुट्टी 30 ml और दोस्तों मार्केट में आपको 44 rupees में मिल जाती है, 44 rupees में, और डाबर इंडिया लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरर है। और दोस्तों, ये मार्केट में आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाती है, जैसे कि 30 ml, 60 ml। तो दोस्तों, डाबर जन्म घुट्टी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये बहुत सारी औषधियों से मिलकर बनी हुई है। इसके लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो दोस्तों, डाबर जन्म घुट्टी आप बच्चे को कितनी मात्रा में दें, कौन से कंडीशंस में दें, ये आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चे के पेट में मरोड़ जैसा हो रहा है, बच्चे का पेट फुला हुआ है, बच्चे को दस्त की समस्या है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, और क्या होता है कि बच्चे रोते हैं, वो मुँह से नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये समस्या है, वो रो कर बताते हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा समय से रो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आप बच्चे को डाबर जन्म घुट्टी पिलाएं। उससे अगर उसको दस्त की समस्या होगी, पेट में मरोड़ दर्द होगा, या पेट फूकने की जो भी समस्याएं, ये सारी समस्याएं उसकी ख़त्म हो जाएंगी, उसे अच्छा महसूस होगा और उसे आराम मिलेगा। और दोस्तों, अगर बच्चे के पेट में कब्ज़ जैसा हो रखा है, जैसे कि पेट बहुत ज़्यादा कड़क है, बच्चा जो पॉटी कर रहा है वो भी कड़क है, या फिर बच्चा बहुत दिनों से पॉटी नहीं कर रहा है, तो आप बच्चे को डाबर जन्म घुट्टी पानी में मिक्स करके, गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी में मिक्स करके पिलाएं। इससे बच्चे का पेट नरम हो जाएगा और बच्चा जो नॉर्मल पॉटी करता है वैसे पॉटी करने लगेगा, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और दोस्तों, जब भी बच्चे का पेट कड़क हो, पॉटी न हो, या फिर जो भी पॉटी करता हो वो कड़क हो रहा हो, तभी आप जन्म घुट्टी को गुनगुने पानी में मिक्स करके दे, इससे उसकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी जो मैंने आपको समस्याएं बताई, उस कंडीशन में आपको जन्म घुट्टी को ठंडे पानी में ही मिक्स करके देना है। जैसे कि आप पहले पानी को अच्छे से उबाल ले, उसको फिर ठंडा कर ले, ठंडा करने के बाद आप जन्म घुट्टी को उस ठंडे पानी में मिक्स करके बच्चे को पिलाएं, इससे उसे आराम मिलेगा। एक चीज़ आप नोट कर लें कि बच्चे का पेट टाइट हो, तभी आप जन्म घुट्टी को गुनगुने पानी में मिक्स करके दें, नहीं तो और जो समस्याएं मैंने बताई, जैसे पेट में दर्द, मरोड़, उल्टी, दस्त, इन समस्याओं में आप बच्चे को ठंडे पानी में ही डाबर जन्म घुट्टी को मिक्स करके दें। तो दोस्तों, आपको कितनी मात्रा में बच्चों को जन्म घुट्टी देनी है, तो अगर आपके बच्चे की उम्र 1 महीने से 3 महीने की है, तो आप 1 ml डाबर जन्म घुट्टी ले और 1 ml पानी ले, दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले और बच्चे को दे दे। अगर बच्चे की उम्र 4 से 6 महीने की है, तो उसे आप 2.5 ml मतलब आधा छोटा चम्मच पानी ले और आधा छोटा चम्मच डाबर जन्म घुट्टी ले, दोनों को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद बच्चे को पिला दें। आपको अगर क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं करनी आ रही है, तो बॉटल जो होता है उस पर कैप होती है, उस कैप में क्वांटिटी लिखी होती है 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, तो आप उससे नाप करके उसे पिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बच्चे की उम्र 7 महीने से ज़्यादा है, जैसे 7 महीने से 2 साल है, तो आप उसे 5 ml डाबर जन्म घुट्टी की दे सकते हैं। जैसे कि 5 ml डाबर जन्म घुट्टी ले, 5 ml उसमें पानी मिक्स करें और बच्चे को दे। और दोस्तों, इसे आपको कम से कम दिन में 2 बार बच्चे को पिलाना है,
और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसकी जो भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।